गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपन भी ले भारी। सुबह के 7 बज रहे और अभी मैं उठा हूँ। एक तो रात को ये जो डॉग बेड है सामने, उन लोगों ने सोने ही नहीं दिया है, इतना भौंक रहे थे यार, बहुत खतरनाक वाला। सुबह सुबह का नज़ारा, ये जो आवाज़ है ना, ये जब सुबह सुबह सुनते हैं ना, वो वाला मॉर्निंग बहुत बेस्ट मॉर्निंग होता है। फ्रेश हो जाता हूँ, उठा हूँ वैसा ही कैमरा उठा है, ऐसा मैं पहली बार किया हूँ। अभी यहाँ से निकलना है गोकर्ण से उडुपी के लिए, तो चलो चलते हैं उडुपी। फ्रेश हो लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। चलो गोकर्ण से निकलते और उडुपी चलते। अच्छा हो गया पार्टनर को हम्पी में वॉश किया था ना, बहुत सही हुआ था। उसके लिए कैसा, अभी कपड़ा मारेगा ना तो भी चकाचक दिखता है, एकदम चकाचक। बाय बाय गोकर्ण। गोकर्ण में ना बहुत आराम किया मैंने, बहुत, जो भी थकान था ना मेरा उतना कल पूरा दूर हो गया, मस्त सोया। ओहो, क्या बात है, जानता राजा, एक नंबर, क्या बात है यार, क्या बात है। सुबह सुबह निकल रहे और ऐसे नजारे दिख रहे, तो क्या अच्छे से गुड मॉर्निंग। पेट्रोल तो मैंने कल ही फुल करके लिया था, तो अभी राइड पे टेंशन नहीं, अगर लगेगा तो आगे की तरफ तो रुक के फिर से टंकी फुल कर देंगे। यहाँ से गोकर्ण से उडुपी 177 किलोमीटर है, तो आज का जो किलोमीटर कम है, छोटा राइड है, पर रोड अगर घाट वाला हो तो फिर टाइम जाता है, अगर हाईवे सीधा सीधा हो तो क्या आराम से हो जाता है, 3-3.5 घंटे में राइड कंप्लीट हो जाएगा, और ब्रेक पकड़ के 4-5 घंटा। और जब भी ये वाला राइड का हम लोग ने प्लान किया था, तब उडुपी का पहला कुछ हुआ नहीं, हम लोग का जो पूरा रूट था ना गोकर्ण, गोकर्ण से रिटर्न मुंबई, ऐसा प्लान था। फिर तो मनोज भाई ने मुझे बातों बातों में कहा कि प्रतीक, उडुपी रेस्टोरेंट, उडुपी ये, उडुपी वो, बहुत सुना है पर उडुपी देखा नहीं है, उडुपी भी जाकर आते अगर नज़दीक हो तो मैप में चेक किया तो गोकर्ण टू उडुपी 177 किलोमीटर दिखा रहा था, तभी हम लोग ने प्लान में इसको भी ले लिया, बोला ले लो उडुपी को भी ले लो। बहुत टाइम पे प्लान अलग भी हो जाता है, या फिर जिधर जाना है उधर जा नहीं पाते, आधे से रिटर्न जाना पड़ता है, कभी कभी एक और प्लान बना देते हैं राइड करते करते, ऐसे ये सब होते रहता है राइड पे, और यही मजा है। बस यार जंगल वाला रोड मिला तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे कम किलोमीटर तक रहेगा ना, और तभी घाट जंगल ऐसा रोड रहेगा तो सही लगता है, तो ज़्यादा किलोमीटर जब कवर करना होता है, जैसे कि 500 किलोमीटर चलाना है, 400 चलाना है, वो टाइम पे सीधा सीधा रूट मुझे पसंद है। डॉग अगर ऐसा दिखे ना बीच में रोड पे तो स्पीड कम कर लेना, कभी भी क्रॉस कर देगा, कुछ भरोसा नहीं। हेलो डोक्या का टोप है क्या, कहा समझ नहीं माला यार, मौका पसंद बगते हैं नहीं। ओके यार ऐसा वाला हेलमेट है क्या वो, पर इसमें सेफ्टी नहीं है यार, बहुत रिक्स से। ओ शिट, बाप रे बाप, ओ भाई साहब, गाड़ी आराम से चलाओ यार, स्पीड ज़्यादा मत रखो, ये सब देख के ना इतना बुरा लगता है ना। खाने में कैसा अपना कैपेसिटी होता है उतना ही हम खाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। गाड़ी का भी वैसा ही करो, जितना आपका कंट्रोल है कि इतने स्पीड में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उतना ही स्पीड रखो और चलो, ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। बहुत रिक्शे हम अगर ट्रैवल पे है किधर जा रहे हैं तो ये याद रखना है कि हमारे माँ बाप या बच्चे हैं तो बच्चे घर पे राह देख रहे, ये सब सोच के चलना है दोस्तों। मैं भी ट्रैवल पे रहता हूँ ना, मेरे घर वालों को इतना टेंशन तो नहीं रहता, थोड़ा तो रहता ही है, पर फिर भी उनको पता है कि यार ये बराबर जाएगा, बराबर आएगा, इसका स्पीड भी सही रहता है। मेरा स्पीड देखो 60-65, और जिधर मुझे लगे ना कि इधर यार स्पीड इतना भी सही नहीं, उधर उससे भी कम, और जिधर मुझे लगे कि एकदम खाली रोड है, कोई जानवर भी बीच मारने का टेंशन नहीं है कुछ नहीं, वो टाइम पे स्पीड रखता हूँ 70 पे। और ये वाले रोड की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, शब्द नहीं है मेरे पास।
कब से देख रहा हूँ ये फोर व्हीलर वाला इतना गंदा तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा मैं, एक बार तो ठुकते ठुकते ही बच गया हूँ। बेकार यार, ओवरटेक करने का भी तरीका होता है यार, हम लोग भी करके जाते और खुद को भी बचा के चलो और अपने वैसे दूसरे को भी तकलीफ ना हो ऐसा ओवरटेक करो। एक बाइक वाला तो उसको भर भर के गाली देखे गया मस्त एकदम, क्या बोला मुझे समझ में आया ना मन ना। कामत रेस्टोरेंट में हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। हाँ ना, ब्रेकफास्ट में क्या है? इडली डोसा उपमा समोसा बटर वडा पूरी बंस। ब्रेकफास्ट में उपमा और इडली, उपमा खा के हो गया, बहुत ही बढ़िया था। ये अभी इडली खा रहा हूँ, सांभर तो बहुत बढ़िया है। तो हो गया ब्रेकफास्ट करके, इतना मस्त ब्रेकफास्ट था ना। जब से हम लोग राइड पर निकले ना 2 तारीख से, तब से लेके अभी तक का ये हमारा बेस्ट इडली था, बेस्ट उपमा था। 3 प्लेट इडली खाया, एक उपमा खाया, एक चाय हो गया, एक पानी का बोतल, उतना सब बिल है ना 125 हो गया। मुझे ऐसा लगा कि 150 to 200 में हो जाएगा, उसके अंदर आएगा बिल। बहुत सही है यार, बहुत सारी जगह पर ना ब्रेकफास्ट लंच बहुत अच्छा मिलता है, रेट भी बहुत कम होता है। अभी चलो निकलते हैं, और लोग भी इतने अच्छे हैं ना, बहुत तक के राइड पर बहुत अच्छे अच्छे लोग ही मिले हमको, जिन्होंने अगर हम लोग कुछ रोड पूछ रहे हैं तो अच्छा बताया है। तो चलो अभी निकलते हैं आगे। ये जो नदी है ना, ये नदी का नाम है शरावती नदी। क्या नज़ारा है यार, क्या बात है, एक नंबर। कन्याकुमारी 868 जाने का क्या, कन्याकुमारी जाने का? कन्याकुमारी तो मुझे जाना ही है, सोच रहा हूँ नेक्स्ट साल में K2 के राइड के बारे में मैं सोच रहा हूँ। पर कैसा है, K2 के राइड अगर करना है ना, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा तो बता देता हूँ, K2 के मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, 1 मंथ का एक राइड हो जाएगा वो। पर वो राइड में अपन को ज़्यादा लगेंगे ना, ₹1,00,000 चाहिए अपने को, ₹1,00,000 उसके लिए। पर अकेला करना है तो ₹1,00,000 लगेगा, सोलो करना है तो क्या, कोई अगर साथ में है तो थोड़ा कम हो जाएगा बजट, देखते हैं उसके बारे में प्लान करना है आने वाले टाइम में। नारियल पानी, नारियल पानी पिए गए अपन भी आगे। सॉरी गाइस, मैं कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये अपना घर का फुट मैट होता है ना, वो है ना, वो उसने इधर रखा है। रुक, हेलमेट देखो आप, ये देखो। जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं मैं। शिट, ओ बाप रे बाप, काय सिंदल है हा? शिट यार, शिट, पीछे किसी ने आग लगाया था, जो कचरा वगैरह पड़ा रहता है वो आग उधर तक घुस के गया। ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो पूरा खत्म हो गया। अभी ऐसा देख के लग रहा था किसी को कुछ हुआ नहीं है, सेफ है, पर जिसका रहेगा, गरीब इंसान रहेगा, उसका तो अच्छा सा नुकसान हो गया ना यार। उड़पी यहाँ से 71 किलोमीटर है। चलो नज़दीक आ गए, अभी क्या कितना टाइम लगेगा, 50 पे 1 घंटा। ब्रेक लेकर चले तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर बीच में किधर ब्रेक नहीं लिया तो 1.5 घंटा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी। चलो पेट्रोल टाइम, पेट्रोल टाइम। ब्रेक कितना इसका, क्या नॉर्मल पेट्रोल का 89.92 और इसका क्या 9.82। तो चलो स्पीड, आज आज स्पीड पे जाएंगे हम, स्पीड डालते और स्पीड पे जाते।
बस 360 का बैठ गया अन्ना कार्ड कार्ड कितना 360 एयर प्रेशर चेक करने रुका था एयर प्रेशर अपना भी एक नंबर है पीछे तो बराबर था आगे थोड़ा कम था ओहो घर देखो क्या बना है यार एक नंबर चलो अपना भी एक ऐसा ही छोटा सा सपना है यार कि ऐसा कुछ अच्छा सा घर हो जहाँ पे अपन रिलैक्स करने जाए ट्रिप महीने में 5-6 दिन 1 वीक के लिए उधर ये कहाँ आ गए हम यू ही साथ साथ चलते देख लो हम कहाँ पे आ गए समंदर के पास में क्या नजारा लग रहा है क्या बात है यार क्या बात है आहा व्यू देखो यार कितना पावर लग रहा है बहुत बढ़िया क्या आज का राइड है ना मस्त हो गया एकदम 177 किलोमीटर ही है गोकर्ण से उड़पी पर यार मजा आ गया मजा आ गया लंच टाइम क्या बात है अन्नपूर्णा थैंक यू अन्ना यहाँ पे वेज नहीं है बस नॉन वेज है तो नहीं हमको वेज ही खाना है बस और कुछ नहीं तो इधर ही आगे किधर होटल है निकल देता हूँ मैं अभी यार और इसको मैं फेंकूँगा नहीं ये अंगूठा गायब वाला जो है ना इसको मैं फेंकूँगा नहीं इसको ऐसे रखूँगा याद के लिए नया ले लूँगा पर इसको रखूँगा ये अंगूठा किधर है रे कुत्ते ने खा लिया देखो हालत देखो और ये आ गया अपना थाली क्या क्या है देखो राइस ये पापड़ गोभी का सब्जी एक कुर्मा सांभर और इसको रसन करके ऐसा कुछ बोला ये छाछ ये दही और ये 2 चपाती क्या बात है यार हाथ से खाने में जो मज़ा है ना वो चम्मच के साथ नहीं है और ऐसा जो खाना खाते हैं ना राइड पे तो घर की बहुत याद आती है हो गया भाई खाना करके हो गया और हो गया ऐसा दबा के खाया है ना छाछ तो 2 ग्लास छाछ पी लिया ये देखो पेट देखो कैसे आ गया 50 किलोमीटर बचा है 50 किलोमीटर करने का रूम पे जाने का फिर निकलने का कुछ एक्सप्लोर करने थोड़ा थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करेंगे जो 2-3 घंटे में हो जाएगा 6-6:30 बजे का पहला उसके बाद में फिर कल भी कई और जगह पर निकलना है बहुत लंबा राइड है अपना ये 2000 किलोमीटर क्रॉस वाला राइड है ये कौन सा तो मंदिर का गेट लग रहा है मुझे हाँ टेम्पल ही है बराबर है एक नंबर यार हर 15 मिनट के बाद में ना ये ऐसा नज़ारा आ ही जाता है सामने अभी उड़ते में आ गया हूँ और बहुत ही बढ़िया क्लीन सिटी यार एक नंबर लग रहा है देखने में कोई किधर भी ऐसा कचरा वगैरह नहीं दिख रहा यार क्या बात है यार क्या बात है क्या ऑटो बनाया यार एक नंबर मस्त मॉडिफिकेशन किया है अंदर का तो मुझे दिख नहीं रहा मनु भाई थोड़ा आगे चलो आप थोड़ा आगे चलो ओहो क्या बात है बहुत प्यारा एक नंबर यार क्या पार्किंग मिला है बॉस एक नंबर तो ये अपना रूम बहुत ही प्यारा सा होटल से जस्ट निकला हूँ उड़ते आया नहीं क्या आधा घंटा हो गया अभी निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं नज़दीक में क्या क्या है जो भी नज़दीक में मिलेगा वहाँ पे जाएंगे फिर एक बीच क्यों ना हो या एक मंदिर क्यों ना हो पर जाकर आएंगे जरूर वेलकम टू मलपे बीच वेलकम पार्किंग का ही प्रॉब्लम है आ गए मलपे बीच आ गए अभी कुछ खाने पीने का भी देखना चाहिए दोपहर का लंच तो हो गया टाइम पे पर फिर भी यार बहुत ज़्यादा भूख लग है अभी यहाँ पे कुछ खाने का देख लेता हूँ या फिर एक चाय तो पी लेते फिर मज़ा आ जाएगा थोड़ा है ना थोड़ा मूड बनेगा मलपे बीच से तो निकल गए क्राउड बहुत अच्छा है
और गोवा का याद आ गया, यूट्यूब जब से स्टार्ट किया है तब से गोवा वाला राइड किया नहीं है। वैसे तो गोवा में 4-5 टाइम जाकर आया हूँ पर बाइक से अब तक नहीं गया हूँ। अगर अपने पार्टनर को गोवा दिखाऊंगा, पार्टनर गोवा देखेगा क्या? तू देखेगा, मैं लेके जाएगा तेरे को। देख अपन कुछ महीने में निकल जाएंगे, थोड़े और भी आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्लान है ना, उसको पहले निपटाते फिर जाते। तो गाइस ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बस शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारा फैमिली जो है वो बढ़ेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।